सर जी बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि वी आर फॉर स्टडीज देयर, तो बोथ द कंट्रीज हैव टुक द ग्रेट डिसीजन टू मेक द बॉर्डर्स ओपन फॉर अस सो दैट वी कैन स्टडी देयर. फिजिकली एंड मेंटली वी आर टॉर्चर्ड बाय द लॉकडाउन. सो ये कहना कि लॉकडाउन में हमें कैसा लगा, मज़ा आया या नहीं आया, लेकिन फिजिकल हेल्थ और मेंटलिटी में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी. साढ़े मानयोग SSP साहब श्री ध्रुव दैया IPS सीनियर कप्तान पुलिस अमृतसर दयाती जी ने दो दिन पहले सानू इंटीमेट किया सी भी अज करीब 122% जिहड़े कि लॉकडाउन के दरम्यान भारत में फस गए सी, सारे के सारे पाकिस्तान के नागरिक आ, ये किसी वजह करके आए थे, कोई अपने फंक्शन अटेंड करने वास्ते, कोई ब्याह शादी आया सीगा, इतने फस के रह गए थे, जिन्होंने अपने वतन वापस जाने बारे रिक्वेस्ट लैटर भेजी सी अंबैसी, इन्हों की जी रिक्वेस्ट ग्रांटेड हो गई है. 122% अज जे पाकिस्तान के नागरिक आ भारत तो पाकिस्तान जा रहे हैं. DC अमृतसर साहब जी ने अंदर इन वास्ते एक वधिया उपराला किया वा. SSP साहब ने इन सारे परसन की सिक्योरिटी लई पुलिस प्रोटैक्शन दी हुई है. इन्हां 122 तो अलावा 225 जिहड़े आ कश्मीर तो J&K तो आ, जिहड़े कि कुछ इहदे विच्चों स्टूडेंट आ, कुछ अपने विजिटर वीजा ते जा रहे आ. 122 तो 225 टोटल 347 परसन आ जी जिहड़े अज भारत तो पाकिस्तान जा रहे आ. अप्रोक्सीमेट हुण तक 70% जिहड़ी आ पब्लिक आ चुकी आ, जिन्हां नूं अंदर इमीग्रेशन ते कस्टम होण तों बाद मिनी बसिस 0 लाइन ते लिजा के पार्क रेंजर के हवाले किए जा रहे जी.